हमारे चैनल शुभ 24 ने वहां मौजूद युवाओं से जाट महाकुंभ मेले में उनका क्या योगदान रहेगा, जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि योगदान यही है कि हम हर घर जाकर लोगों से अपील करें कि वह इस महाकुंभ मेले में जरूर आए। सीकर से आए युवा श्रीकांत मील ने बताया कि हम 2500 युवकों को सीकर से लेकर आएंगे। एक सवाल के जवाब में जोगनेर के युवा ने बताया कि जाटों में मतभेद होने के बाद भी सब लोग इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहां बने हुए कंट्रोल रूम से प्रभारी हवा सिंह ने शुभ 24 न्यूज चैनल को अपनी कार्यशैली के बारे में बताते हुए कहा कि राजस्थान में हमारे लोगों को क्या प्रचार सामग्री चाहिए, वह हम उनको भिजवा रहे हैं या उनकी और भी कोई मांग है, वह भी हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से इस महाकुंभ सम्मेलन में भाग लेने के लिए गाड़ियों की क्या व्यवस्था है और किस प्रकार लोग आएंगे, ये सारी व्यवस्था हम लोग यहां कंट्रोल रूम से कर रहे हैं। हमारे सीनियर लोगों को वहां की डिमांड बताते हैं कि ताकि वे लोग उसे पूरा कर सके। शुभ 24 चैनल द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रभारी ने बताया कि अभी हम सिर्फ राजस्थान के लोगों से ही संपर्क कर रहे हैं। यहां ठहरने की सुविधा के बारे में उन्होंने बताया कि महिलाओं और पुरुषों के लिए रहने की अलग अलग व्यवस्था है, कुछ लोगों के लिए होटल में भी व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को देखने के लिए हमने 2000 वॉलंटियर्स टीम तैयार की है, इसके लिए महिलाएं भी आवेदन कर रही हैं। आने वालों की संख्या के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि यह संख्या 5 से 10 लाख तक हो सकती है। आने वालों की खाने की व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि जगह जगह हाईवे पर हम लोग किसान रसोई बना रहे हैं, जहां से खाने के पैकेट तैयार करके यहां भेजे जाएंगे। आईटी प्रभारी ने बताया कि हम पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यह सोशल मीडिया भी आज की तारीख में किसी भी आयोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। कंट्रोल रूम के प्रभारी हवा सिंह ने बताया कि मैं आने वाले मेहमानों से यही कहूंगा कि अपने परिवार को लेकर आए और उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम अभी यहाँ पे जो जाट महाकुंभ होने जा रहा है और यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर कुछ जवान लोग हैं जो जाटों की हिम्मत, जाटों की ताकत को दोगुना करने जा रहे हैं, और मैं कुछ से पूछूंगा कि क्या तैयारी है यहाँ पे। और यह तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। 5 तारीख को, जैसा कि आप देखोगे भाई, जो युवाओं का क्या योगदान रहेगा, युवाओं का योगदान भी मतलब सबको घर घर जाके बताना ये सब, कि जो 5 तारीख को महाकुंभ होने जा रहा है उसमें आप जरूर अपनी शिरकत करें और वहां पे दिखाएं भाई कि जो 25% 23% जो भी हमारे राजस्थान के अंदर हैं तो एक बार दिखना चाहिए ना वो वहाँ पे। कि आप कहाँ से आए हैं? ये जयपुर। जयपुर से? आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत मील है और मैं सीकर से बिलोंग करता हूँ जी। और युवा होने के नाते इस महाकुंभ में युवाओं का कितना योगदान है? युवाओं का तो बहुत बड़ा योगदान है, जितने भी युवा हैं उनमें जोश है एक जाट महाकुंभ को लेकर के। और बेसिकली जैसे मैं सीकर से, हमारे सीकर साइड से तो बहुत बड़ा योगदान है, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम भी 2-2500 के लगभग सीकर से आएंगे। अनिल कुलरी है और जोबनेर से बिलोंग करता हूँ मैं, जयपुर जिले से ही। हाँ जी सर। तो जयपुर जिले का क्या योगदान रहेगा? सर जयपुर जिले के युवा जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे समाज के नाम पे, अपन को एक जगह बैठना है भाई, हाँ सारा समाज कम से कम एक जगह हो और युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। पर जाटों में ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि सब एक जगह नहीं है, तो क्या इस महाकुंभ के लिए सब एक जगह होंगे? हाँ बिल्कुल सर, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, खूब इकट्ठा होकर आएंगे हम। जयपुर जिला इसके लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि जयपुर में ये हो रहा है तो जयपुर में तो जाटों का सबसे ज्यादा वर्चस्व होना चाहिए, दिखानी चाहिए कि जयपुर के जाट सबसे आगे। 5 तारीख को सर देखने को मिल ही जाएगा ना, सबसे ज्यादा हो जाएंगे वहाँ। अब हम एक कंट्रोल रूम में चलते हैं जहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। और आइए यहाँ पे कंट्रोल रूम में हम लोग जब देख रहे हैं तो हवा सिंह जी हैं जो ये कंट्रोल रूम में सारी चीजें संभाल रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी? कंट्रोल रूम में 5 तारीख को जाट महाकुंभ विद्याधर नगर में होने जा रहा है, उसके लिए हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जिसके जिम्मेवारी में हम 5-7 लोगों को दे रहे हैं। कौन कौन सदस्य हैं आप? हमारे चैनाराम जी हैं, शीश राम जी हैं, ये रणबीर जी हैं, खंगाराम है, संदीप जी है, सुमन चौधरी है, डॉक्टर शारदा है, यतेंद्र है। आपका क्या काम है यहाँ कंट्रोल रूम में, आप क्या व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं? क्या है कि अभी जितने
कोरोस्पोंडेंस जिलों से हो रही है, समाज के प्रबुद्धजनों से हो रही है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है पब्लिसिटी के आइटम के लिए, गाड़ियों की पट्टी के लिए, पोस्टर के लिए, हम उनको क्या है कि बसों के द्वारा या डाक के द्वारा या अपने गाड़ियों के द्वारा उनको सामग्री भिजवा रहे हैं। और कुछ लोग वहाँ से अपने अपने यहाँ 5 तारीख को आने के लिए महाकुंभ में कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी छोटी गाड़ियाँ आ रही है, उनकी व्यवस्था क्या हो रही है, सब उनकी सबकी जिम्मेवारियाँ यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। और हम हमारे सीनियर लोगों को उसकी सूचना देते हैं कि वहाँ से ये डिमांड है, उसकी डिमांड की पुष्टि करो। क्या ये सभी लोग राजस्थान से ही हैं या आउट ऑफ द राजस्थान भी कुछ? अभी क्या है कि हम यहाँ राजस्थान को ही कमांड कर रहे हैं यहाँ से बैठ के, बाकी फ़ोन आते हैं दूसरी जगह से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ आ रहे हैं 5 तारीख को जाट महाकुंभ में शामिल होंगे। यहाँ पे महिला और पुरुष दोनों ही आ रहे हैं, तो क्या इनकी व्यवस्था अलग अलग है चिन्ह? हाँ, व्यवस्थाएँ हमने अलग अलग करी है, कमरे हैं अलग अलग, उनके महिलाओं के अलग कमरे हैं, पुरुषों के अलग कमरे हैं, और अलग जगह भी होटल वगैरह बुक करे हैं, वहाँ भी आएंगे, वहाँ भी रुकेंगे। बैठने की व्यवस्था जो आपका विद्यानगर में आपने स्टेडियम में किया है, तो वहाँ व्यवस्थाएँ संभालने के लिए क्या कितने वॉलंटियर्स और कितनी बाकी? अरे क्या है कि अभी वहाँ सभा स्थल के लिए, मंच के लिए, सभा स्थल को कमांड करने के लिए उसकी सारी व्यवस्था करिए। अभी कम से कम 2000 वॉलंटियर्स हम तैयार कर रहे हैं, 2000 वॉलंटियर्स हैं, जिसके अंदर कुछ में महिलाएं भी हैं वॉलंटियर के रूप में, वो भी आगे आ रही हैं कि हम वॉलंटियर बनेंगे, सामने से चल चल के आ रहे हैं कि हमारे को वॉलंटियर बनाओ। पुलिस के, सेना के कुछ जवान, भूतपूर्व जवान है, कुछ अभी ड्यूटी पे, कल फोन आया था एक जवान का कि मैं साहब छुट्टी पे आया हूँ, मेरे को कोई काम दीजिए। तो इस टाइप के समाज के लोग हैं, वो आगे बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं। कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग जैसे चारों तरफ से लोगों के फोन आ रहे हैं, उससे के लिए यह संख्या 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच में होगी संख्या। इतनी व्यवस्थाएं, क्योंकि आपको खाना पानी, गर्मी भी शायद अब दोबारा थोड़ी सी है, और दिन में इतनी व्यवस्थाएं करने के लिए क्या क्या आपके इंतजाम है? देखो, हम आईटी से रिलेटेड काम देखते हैं, हाँ, तो हम आईटी से संबंधित बता सकते हैं, बाकी सेनाराम जी वगैरह ये सारा काम देखते हैं, लेकिन आईटी से रिलेटेड जो चीज़ें हम क्या करते हैं, हाँ, 10,000 खाने के पैकेट गालवा रोड से अलग अलग नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे किसान रसोइयाँ बनाई जाएंगी, और उन किसान रसोइयों को जो भी हमारे परिवार समाज के भामाशाह लोग हैं वो उनको देखेंगे, तेजा सेना उनके साथ करेगी। आईटी से रिलेटेड आप क्या काम कर रहे हैं? आईटी से रिलेटेड ये काम कर रहे हैं कि जैसे हमारी जो कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी जो है पूरे राजस्थान के अंदर, क्या अदर स्टेट के अंदर भी, तो उनको हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, तो हमने लिंक ट्री से कनेक्ट करके जितने भी जाटों के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, जो शिक्षाविद हैं, बड़े लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, नेता लोग हैं, किसी भी पार्टी, एनी पार्टी में, किसान संगठन है, तो सबको एकजुट कर रहे हैं। तो हमारे पास पर्टिकुलर एक दिन के अंदर लगभग अब तो हमारे पास इतना बूस्ट आ रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लगभग हम 30,000 से 40,000 लोगों को पर डे हमारे पास कॉल मैसेजेज ये आ रहे हैं, उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप में लेके आ रहे हैं, और हमने 2 बार नेशनल लेवल पर ट्विटर ट्रेंड भी कराया है जाट महाकुंभ के बारे में, 2 बार हमने नेशनल ट्रेंड भी रखा है, और कल 26 तारीख को संडे को देश का हम सबसे बड़ा ट्विटर वार रखेंगे, जिसमें हम सफल होंगे, देश पर पहले भी हम नंबर 1 पे आए थे, देश के नेशनल लेवल पर ट्रेंड किया था, तो कल हमारा 26 को फिर से दोबारा से नेशनल ट्रेंड होगा ट्विटर पे। तो ये सारा काम जो हम डेटा जो मैनेज कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आज की डेट में एक किसी भी सामाजिक कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। हवा सिंह जी, अभी आप पूरा कंट्रोल रूम संभाल रहे हैं, और अपने पूरे जो आपके जाट महासभा के जो कार्यक्रम हैं वो आप लोगों पे, आपकी टीम पे बहुत जगह डिपेंड रखता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था, वो सब लोग आएँ और वो सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के हाथ में, तो सभी अपने भाइयों से क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या आश्वस्त रहें? मैं अपने सभी जाट बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ कि 5 मार्च को विद्याधर नगर स्टेडियम में आपको किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होगी, यहाँ पूरी सद्भावना के साथ सभ्य
समाज के रूप में ये एक सम्मेलन महाकुंभ होने जा रहा है। आप सबसे विनती है कि आप अपने परिवार के साथ जरूर से जरूर पधारें।